All right, friends. So once again, a very welcome back to the new video. And in this video, the topic is a bit different, and it is like let's start with a very basic. अब यहाँ पर admission process is almost over, almost in the sense कि मैं 95-96% बोल सकता हूँ, because there are still 4-5% process are left. तो यहाँ पर मेजोरिटी जो व्यूअर्स है उसकी यहाँ पर कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स योर इंजीनियरिंग करियर. एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है कि व्हाट आर द टू मोस्ट रिक्वायर्ड एंड बेसिक स्टेप्स यू नीड इन द इंजीनियरिंग, एंड दैट वॉज फर्स्ट गोल था, और सेकेंड यहाँ पर था टाइम टेबल. मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था, प्लीज गो थ्रू द वीडियो. मैं उसके लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक. आपको इंजीनियरिंग में सबसे पहला स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो क्या होगी, वो होने वाली है आपकी इंग्लिश. अब यहाँ पर इंग्लिश का इम्पोर्टेंस थ्रू आउट योर एंटायर इंजीनियरिंग जर्नी सो मच इम्पोर्टेंट, एंड नॉट फॉर द इंजीनियरिंग जर्नी, आपका पूरा लाइफ में. मतलब अब यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग ली है तो यहाँ पर ऐसा तो होना मतलब कंप्यूटर आईटी वालों को तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए. सिविल मैकेनिकल एलएनटी में आप देख रहे हो, रिलायंस में देखो, वहाँ पर भी क्लाइंट बाहर से होते हैं. अब यहाँ पर दूसरे में फील्ड्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चिप सर्किट बनाने वाली कंपनीज देखो, मतलब इंजीनियरिंग में जो मोस्ट एसेंशियल थिंग है वो रहने वाली आपकी इंग्लिश. जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी उतनी ही अच्छी आपकी फ्यूचर में ब्राइटनेस होने वाली है. तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूंगा वेरी बेसिक स्टेप में इंग्लिश. इंग्लिश आपको कुछ भी करके सीखना स्टार्ट करना ही होगा, किसी भी तरह से मार कूट के. मतलब आप कुछ भी करिए बट इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए होगा, अदरवाइज यू वॉन्ट हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द करियर. ओके, सो यहाँ पर मेरा प्राइम फोकस रहने वाला है इंग्लिश के ऊपर. अब इंग्लिश कैसे सीखा जाए, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. आप मैथ्स में वीक हो चलेगा, आप इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट्स में वीक हो चलेगा, उसमें आप केटी तो नहीं, बैकलॉग तो नहीं, चले सिर्फ पास हो गए, ठीक है, पासिंग मार्क आ गए तो भी चलेगा. बट अगर इंग्लिश कमजोर हुई तो ये नहीं चलेगा. अब कमजोर इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ग्रामर आपका सही नहीं है, ग्रामर आप सही करो, मैं वो नहीं कहना चाहता. ऑल आई नीड टू से कि यू एटलीस्ट नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन द कम्युनिकेशन इन द इंग्लिश. मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आप इंग्लिश में बातचीत कर सको, ठीक है. बीच में यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक होगी चलेगा, बट यहाँ पर इंग्लिश बोलना आपको आना ही चाहिए कुछ भी करके. सो ये मेरा यहाँ पर प्राइम फोकस यही रहने वाला है कि आप स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है. अब यहाँ पर मैं पूरा आपको स्टेप समझा दूंगा कि किस तरह से चलना होगा, कैसे चलना होगा, बट यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कुछ स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ टाइम टेबल बना लीजिए, कुछ रेफरेंस मटेरियल ले लीजिए अपने हिसाब से. मैं अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी यहाँ पर रिसर्च आपको आपके एंड से स्टार्ट करनी है, ठीक है. सो यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही कहना चाहता हूँ था, और यहाँ पर मैंने आई होप कि मेरा जो पॉइंट था, मैसेज था, वो आपको इजिली कन्वे कर दिया होगा, ठीक है. अगर अभी भी टॉपिक रिलेटेड कुछ डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब टॉपिक के अलावा भी कुछ डाउट्स है then feel free to put it in the comment section. Okay, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts then feel free to ask me in the comment section. Thank you, bye bye.